एक छोटे बच्चे ने अपने दादा से पूछा, दादाजी मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। तो दादाजी बोला, बेटा एक काम कर, तो पेड़ खरीद के ले आ। तो दादाजी ने बोला, बेटा एक पेड़ अपने घर में लगा दे और एक पेड़ अपना रोड पे बाहर लगा दे। बेटा ये बता, इन दोनों पेड़ों में कौन सा पौधा फलेगा फूलेगा? तो बच्चा बोला, दादाजी जो अंदर लगाए, क्योंकि आप इसे पानी दोगे, खाद दोगे, देखरेख करोगे, और जो बाहर लगा इसका क्या पता, इसका तो कोई जानवर खा जाएगा, गर्मी से खराब हो जाएगा, पानी ना मिला तो खराब हो जाएगा। दादाजी चुप रहे, अखबार पढ़ते रहे, बच्चा चला गया। बच्चा 4 साल बाद आया, फिर बोला, दादाजी आपने बताया नहीं मैं सक्सेस कैसे होऊंगा? तो दादाजी ने बोला, बेटा तुझसे मैंने एक काम कराया था। बोला, हाँ दादाजी आपने दो पौधे लगाए थे। बोला, चल उनको देख के आते हैं। घर के अंदर जो पौधा था वो पेड़ बन गया। तो दूसरे कहा, बच्चे ने देखा दादाजी मैंने कहा था ना ये पेड़ बनेगा। अब जब बाहर वाला देखा तो उसकी बड़ी बड़ी टहनी, विशाल वृक्ष बन गया, लोग उसके नीचे सो रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं थी, असीमित था। तो दादा ने उस बच्चे को बताया, बेटा ये पेड़ ही रहा क्योंकि ये घर में था, इसको भरने की जगह नहीं थी, इसकी टहनियां काट दी जाती थी, ये कंफर्ट जोन में था, इसे उतनी धूप, उतनी सर्दी, उतनी बरसात नहीं मिलती थी। अगर वृक्ष बनना है तो लड़, खतरों से लड़, और वो खतरों से लड़ा, बाहर रहा, कोई उखाड़ सकता था, कोई बेकार कर सकता था, गर्मी खत्म कर सकती थी। अगर वृक्ष बनना है तो बाहरी दुनिया से लड़ो, अनकंफर्ट हो जाओ, गांव छोड़ दो, गलियां छोड़ दो, मोहल्ले छोड़ दो। अगर दुनिया पे राज करना है तो दुनिया घूमना शुरू करो, वृक्ष बनो, आसमान तक तुम्हारी कोई सीमा नहीं है।